Welcome to my channel and let's start today's class. In today's class, we are going to start coordinate geometry question. Okay, and this question is very important for examination, and also this question is asked for the examination. So let's do. First, read the question. What is the question is saying? Find the distance between 2.2, 3 and 4, 1. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। एक हमारा यहाँ पे दिया है 2, 3 और एक यहाँ पे दिया है 4, 1। ठीक, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा और ये हमारा x2 और y2। तो इतना हमें पता चल गया, ये हमारा x1, ये y1 और ये x2 y2। ठीक, अब हम यहां पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ये हमें लिखना जरूरी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमें यही बोला है। ठीक, तो यहां पे ए बी इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में ये वैल्यू रहेगी। ठीक, अगर ये वैल्यू रहेगी तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमारी x2 की वैल्यू हमारी यहां पे दी है, ये x1, ये y1 और ये x2, ठीक है, तो 4 हो जाएगा और x1 क्या है 2 हो जाएगा, तो 2 इसका स्क्वायर। अब इसका तो स्क्वायर हो जाए, अब यहां पे y2 क्या है हमारा, y2 यहां ये है हमारा, ये 1 क्या है, y2 माइनस, और 3 क्या है हमारा, इसका स्क्वायर, और यहां पे साइन क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, ab इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ab इक्वल टू अब हमारा क्या होगा, 4 माइनस 2 करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, ओके, टू का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, प्लस 1 जब माइनस करेंगे 3 में से तो कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा, जब माइनस 2 बचेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे हम। AB इक्वल टू क्या करेंगे, AB इक्वल टू हम कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का कोई भी वैल्यू जब माइनस में रहती है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, तो हमें उसकी साइन जो होती है निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, जब भी हम कोई भी वैल्यू हमने लिख माइनस में रहेगी उसको जब स्क्वायर कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक, ये अंडर रूट में होगा। अब ए बी इक्वल टू 4 + 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8। अब हमारी वैल्यू तो आ गई अंडर रूट 8, मगर हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें अब क्या करना होगा, हमें ए बी इक्वल टू लिखनी होगी अंडर रूट में 2 × 2 × 2 4 × 4 = 8। ठीक, अब यहाँ पे 2 तो कॉमन मिल रहा है ना, और ये 2 तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो अगर 2 कॉमन मिल रहा है हमारा यहाँ पे, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, ए बी की वैल्यू हमें बचेगी 2, जो कॉमन है तो 2 बाहर लिख देंगे और अंडर रूट में जो 2 बचा है वो लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आज के लिए सिर्फ इतना, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।